लो वीर, हो गई तुम्हारी सर्विसिंग। मैं जरा ये सामान वापस रख दूं। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये वीर रोबोट है। आज देखता हूँ, इसे तो ऐसा खराब करूंगा कि फिर ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। जाओ वीर, अब तुम बाहर जाकर खेल कूद सकते हो, खा पी सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। दादाजी, मैं पहला ऐसा रोबोट हूँ जो इंसानों की तरह खा पी सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ वीर, मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए बनाया है कि लोगों को तुम पे शक ना हो कि तुम इंसान नहीं, एक रोबोट हो। अमेजिंग रोबोट। दादाजी, कुछ कुछ मैं वीर, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? पता नहीं दादाजी, पता नहीं क्या हो रहा है। दादाजी, वीर को क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, वीर अचानक रोबोट की तरह बिहेव कर रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वीर, वीर! वीर, इधर अंदर चलो, बंटी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बंटी, वीर तो घर पर नहीं है। दादाजी, वो घर पे ही है, नहीं तो इमली चुलबुल यहाँ नहीं होते। मैंने उसे अभी अभी अंदर आते देखा है। यस यस, मुझे पता था वीर यहाँ है। ये देखो। क्या पता था? वीर तो यहाँ ब्रेक डांस कर रहा है। वीर का राज फाश हो जाएगा कि वीर एक रोबोट है। मम्मी, पापा। हिमली, मुझे वीर को ठीक करने के लिए टाइम चाहिए। अब ये बंटी सबको बुला लाएगा। वीर, चुटकी बजाओ, जल्दी चुटकी बजाओ, वही मदद कर सकता है। क्या हुआ चिंटू? वीर के मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ गई है। बंटी को शक हो गया है, वो अपने मम्मी पापा को बुला के वीर की पोल खोलने गया है। कुछ करो। डोंट वरी, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। दादाजी, आप वीर को अंदर ले जाओ, मैं बंटी को संभालता हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। अभी देखा था वीर, रोबोट की तरह चल के दिखाओ। लेकिन बंटी, मैं तो ब्रेक डांस कर रहा था। ये देखो ऐसे। ओए बंटी, क्या बोल रहे हो तुम? वीर तो ठीक ठाक है। बंटी की मम्मी, इसके कान पकड़ कर ले जाओ, मैं थोड़ा डांस करके आता हूँ। स्टॉप स्टॉप, ये सब हमें बुद्धू बना रहे हैं। चलो यहाँ से, वरना अब हमसे पिटोगे। शुक्र है वो चला गया। चलो अब वीर को ठीक करते हैं। मैंने उसे कमरे में बंद करके रखा है ताकि वो बाहर ना जाए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भूल गया। ये किसका घर है और मैं यहाँ कैसे आया? तुम सच सच बता दो, तुम रोबोट हो कि नहीं? वीर, ये कौन है? मुझे नहीं पता। भूल मुझे चाट खाने का मन कर रहा है। फिर से खराब हो गया इसका मैकेनिज्म। आओ मैं तुम्हें चाट खिलाता हूँ। तुम्हारा नाम वीर है और मैं बंटी हूँ, तुम्हारा दोस्त। चलो चलो चाट खाते हैं, चलो। ओह नो, लगता है वीर इस खिड़की से बाहर निकल गया। जल्दी चलो उसे ढूंढते हैं। जाओ, चाट वाला अंदर है। अंदर है? चलो। केकी पेकी, चलो चलो, अब मम्मी पापा को लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि ये वीर ही रोबोट है।
ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है। चाट खिलाने की जगह यहाँ बंद कर दिया। ये कैसा दोस्त है, मैं जा रहा हूँ। बॉस बॉस, गुड न्यूज, वीर को पकड़ के ले आ रहा हूँ। हाँ बॉस। अरे मेरी चाट गिरा दी। निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। ये लड़का भी ना बस ऐसे ही परेशान करता रहता है। इमली, जिंटू को ढूंढो। बंटी वीर को ले गया है और कैकी के घर में बंद करके रखा है। वो उसे एक्सपोज कर देगा। जिंटू जल्दी चलो, वीर का राज खुलने वाला है। उसे बंटी ने पकड़ के कैकी के घर रखा है। तुम कौन हो? भूल गया। तो मैं हूँ, मेरे दोस्त बंटी ने बताया था। मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। जिंटू, तुम्हारे सर पे मकड़ी गिर गई है। मैं उसे एक टपली मार के भगा देता हूँ। वो तो तुम्हारे सिर पे है। हटो हटो भागो। इमली जल्दी करो, बंटी के मम्मी पापा कैकी के घर पर पहुँच गए हैं। ओ इमली, मैं यहाँ कैसे आया? क्या हो रहा है? अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। तुम्हारे बदन की सब मिट्टी साफ हो जाए और तुम ठीक हो जाओ। अरे इमली, हम सब इस रूम में क्या कर रहे हैं? ओह, शुक्र है तुम ठीक हो गए। सुनो, अब तुम लोग जरा बाहर जाओ और देखो मेरी एक्टिंग। आंटी अंकल, बंटी केकी फेकी मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आए और बंद कर दिया। मत रो बेटा, मत रो। क्यों बंटी, ये रोबोट दिख रहा है, ये तो अच्छा खासा लड़का है, इसके तो आंसू भी बह रहे हैं। ये हमेशा मुझे गलत साबित कर देता है। आप केकी फेकी से पूछो। वीर तो नॉर्मल है हमारे जैसा। बंटी ने कहा इसे पकड़ के बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। आंटी, बंटी हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता है। आंटी हेल्प मी, बंटी को समझाइए ना मेरा पीछा छोड़ दे। दादाजी, बंटी ने मुझे। मिस्टर चड्डा, आप अपने बेटे का कुछ करिए। हम आज इसे ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर आपको ये कभी तंग नहीं करेगा। अच्छी एक्टिंग कर रहा है, मैं तो असलियत में इसके जैसा नहीं रो सकता। मम्मी, मम्मी मेरा यकीन करो, ये रोबोट है। बाय बाय बंटी। मम्मी, मम्मी देखो देखो देखो,
फुर्सतगंज में अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लेक का पानी भी सूखता चला जा रहा है। ये पानी कहाँ जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये जानना है तो देखिए आज रात हमारा प्रोग्राम पानी का रहस्य। लेकिन दादाजी अचानक ये पानी की कमी कैसे हो गई? अभी तो कुछ महीने पहले लेक के ओवरफ्लो होने की खबरें आ रही थी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा कि आखिर अचानक से ये पानी चला कहाँ गया, जबकि अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। दादाजी इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना फुर्सतगंज के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। हमें पानी के रहस्य का पता लगाना ही होगा। आज रात देखना न भूले कैसे सुलझाया हमने पानी का रहस्य। दादाजी क्या आपके यहाँ एक बाल्टी पानी मिलेगा? पानी? हाँ, मैं नहा रहा था और अचानक पानी चला गया। मैं तो मिस्टर चड्डा को देखकर डर ही गया, मुझे लगा कोई भूत है। हाँ मैं भी डर गया था। दादाजी जल्दी कीजिए, पानी दीजिए, मेरी आंखों में साबुन लग रहा है। ओए हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। ओए वाह थैंक्स। ओए ये पानी कहाँ से आ रहा है? थैंक यू वेरी मच पुत्र, थैंक यू वेरी मच। तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते रहते हो? हाँ जब करो तो सीधी सीधी हरकतें ही करो। मेरा मतलब है कि अकेले मिस्टर चड्डा की प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा जिंटू, करनी है तो पूरे फुर्सतगंज की प्रॉब्लम सॉल्व करो, वरना अभी तो मिस्टर चड्डा नहाने के पानी के लिए आए हैं, कुछ देर बाद बाकी सारे लोग यहाँ नहाने आ जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो अभी देता हूँ हर सवाल का एक जवाब। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब हर घर के ऊपर क्लाउड है, किसी को पानी की कमी ही नहीं होगी। जिंटू तुम्हारा एक बखेड़ा बंद नहीं होता और तुम दूसरा खड़ा कर देते हो। बंद करो ये सब और लोगों को भुला दो कि उन्होंने बादल से पानी भरा। क्या बात है ऊपर वाले, तेरे खेल भी निराले हैं। वाह वाह वाह, हर घर के ऊपर बादल, ये तो कमाल हो गया। फुर्सतगंज में तो लेक से पानी आता है, वहाँ पानी क्यों कम हो रहा है ये मैं जाके पता करता हूँ। अंडरवाटर सूट ऑन। इमली चुलबुल तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आया। चलो हम भी चलते हैं वीर के साथ। लेकिन वीर तो मना कर गया है। तो तुम मत जाओ, हम तो जाते हैं। नहीं नहीं मैं भी चलती हूँ। वाह मछलियों का जीवन कितना सुंदर होता है, इसी पानी में रहना खाना मजे करना। इमली शांति खत्म हुई, वो देखो कितनी बड़ी मछली, भागो। अरे ये यमदूत भी कहाँ से आ गई? जिंटू कुछ करो। ये कहाँ से आ गई, भागो। तो एनर्जी बन रही है, तो ये वजह है पानी की कमी की। हाँ, यहाँ एनर्जी बन रही है और अब जब तुम हमारे काम में टांग अड़ाने आ ही गए हो तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। Because I'm mad, very very mad। आज तो तुम्हारा भुर्ता बनाकर छोड़ेंगे। चलो देखते हैं कि तुम मुझे कुछ बनाते हो या मैं तुम्हें। बॉस, बॉस, ट्रांसफॉर्मर ऑन करो बेवकूफ, रिमोट कहाँ है, रिमोट से उसे स्टार्ट करो।
की इलेक्ट्रिकल पावर ऑन करो, जल्दी। दूसरा रेड बटन दबाओ। रेड बटन दबा दिया बॉस। सकता, फ्लाई करके ही लड़ना होगा। अभी दिखाता हूँ। नहीं, वो वापस करो, मेरा रिमोट वापस करो। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर का खेल अब खत्म टिम्बकटू। पहले रेड बटन दबाता हूँ और उसकी बिजली की पावर खत्म करता हूँ। अब इसे ऑफ करने का ग्रीन बटन, फिर मैं और तुम बचेंगे टिम्बकटू। खेल खत्म हो गया। ओ वीर, मैं तो डर ही गई थी। इट्स ओके इमली, और पता है मैड मैक्स पानी से बिजली बना रहा था और उस बिजली से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रोबोट बना रहा था। अब फुर्सतगंज में पानी की कमी कभी नहीं होगी। पानी का रहस्य का पर्दाफाश हो गया है। चलो दादाजी को बताते हैं क्या है पानी का रहस्य। आप देखना न भूले आज रात पानी का रहस्य। Ha 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 ha!